हमारे गोकुल में एक माताजी रहती थी। मुझे एक छोटी सी लीला याद आई, फिर रुक्मणी मंगल तक जल्दी हम बस पहुंच गए हैं। एक गोकुल में मैया रहती थी, बड़ी सेवा करती थी भगवान की। उस मैया के छोटे से गोपाल जी थे, वृद्धावस्था थी, पहले तो खूब सेवा करी। ये गोसाई विट्ठल नाथ जी की शिष्य थी, वल्लभाचार्य जी के सबसे बड़े बेटे गोस्वामी विट्ठल नाथ जो गोकुल में विराजते थे, उनकी ये शिष्य थी माता जी। उन्हीं से दीक्षा लेकर भगवान का भजन करती थी, छोटे से गोपाल जी थे, खूब सेवा करती थी। अब देखो, जब बुढ़ापा ज्यादा आ गया तो मैया से काम नहीं होता था, थक जाती थी, पर प्यार बहुत था भगवान से। ये सच्ची घटना इस कलयुग की। जब मैया काम नहीं कर पाई, एक दिन सेवा ठीक से नहीं हो पाई, तो बंधुओं सच बताऊं आपको, विग्रह में से साक्षात ठाकुर जी प्रकट होकर आ गए और बोले, मैया तैने मेरी इतनी सेवा करी है, आज मैं तो को वचन दूं कि आज के बाद तू मेरी सेवा नहीं करेगी, तू बैठ के मेरा भजन कर, आज ते मैं तेरी सेवा करूंगा मैया। ये इसी कलयुग की सच्ची घटना हमारे ब्रज की। और ठाकुर जी नित्य उस मैया की सेवा करते महाराज, एक काम मैया को नहीं करना पड़ता। भगवान कहते, तू माला लेके बैठ जा, बस भजन कर। वो भजन करती थी, ठाकुर जी यमुना से पानी भर के लाते, ठाकुर जी घर की सफाई करते, पूरी कुटिया साफ करते, सब काम भगवान करते। ध्यान से सुनना, एक बार उस माता जी का ना कोई दूर का रिश्तेदार महाराज, कोई वृंदावन गोकुल मथुरा, वो दर्शन करने ब्रज में आया, दूर का रिश्तेदार। वो पता चला कि हमारे गांव की कोई माताजी यहां रहती हैं गोकुल में, तो चलो मिलते चलें। वो मैया से मिलने पहुंच गया। जैसे ही मिलने गया तो बैठे, बातचीत हुई, उस मैया के मुंह से क्या निकल गया, माताजी ने कहा कि देखो, तुम लोग तो मुझे बिल्कुल ही भूल गए, अरे कभी हालचाल लेने भी नहीं आते, अरे ये तो सोचा करो कभी तुम लोगों के सिवा मेरा है कौन दुनिया में। जैसे कोई रिश्ते नातेदार आ जाए, हम बात करते ना, तो मैया के मुख से बात ही बात में निकल गया कि तुम लोग कभी मेरी खबर नहीं लेते, अरे मैं अकेले यहां गोकुल में रहती हूं, तुम लोगों के सिवा मेरा है कौन। बस महाराज, जो उस मैया ने ये कहा ना, ठाकुर जी ने लीला करनी बंद कर दी। अब वो रिश्तेदार तो मिल मिला के चला गया। अब मैया आवाज लगाई, लाल जी मटकी में पानी समाप्त है, उन्हें एक जल ले आओ। पर अब लाल जी बोले ही नहीं। अरे लाल जी ये काम कर दो मेरो, लाल जी बोले ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, भगवान बात नहीं करते, कोई लीला नहीं। मैया इतनी परेशान, इतनी परेशान, तुरंत गोपाल जी गोद में उठाए और अपने गुरु विट्ठल नाथ जी के पास पहुंच गए। ले जाकर अपने ठाकुर जी गोसाई जी की गोद में दिए, बोले, गुरुदेव मेरे लाला मुंह से रूठ गए, मेरे लाला मुंह से रूठ गए। विट्ठल नाथ जी बोले, कहां बात है गई मैया, कैसे रूठ गए। बोले, पता ही ना है, आज सुबह ते मुझे बात नहीं करें, नहीं तो रोज लीला करते हैं, रोज बात करते हैं, आज मुझे एक शब्द ना ही बोले सुबह ते। गोपाल जी को गोद में लेकर गोसाई जी ने देखा, सदगुरु तो सब जानते, गोद में लेते ही समझ गए क्या हुआ। मैया को कहा, मैया ये बता, आज सुबह से कोई बाहर का व्यक्ति क्या तेरी कुटिया में आया कोई। बोले, महाराज मेरे यहां तो कोई नहीं आता, मैं तो अकेले भजन करती हूं। अगर तूने झूठ बोला तो अच्छी बात नहीं होगी मैया, देख सच बता, कोई बाहर का व्यक्ति आया था क्या आज सुबह से तुझसे मिलने। बोले, महाराज मैं सच कह रही हूं, कोई नहीं आया मेरे पास। मैया को याद ही नहीं था, बुढ़ापा ना, वृद्धावस्था का समय, याद ही नहीं। बोले, महाराज कोई नहीं आया मिलने। जो ऐसा कहा ठाकुर जी गोदी में से बोले, महाराज विश्वास नहीं करना, एक नंबर की झूठी है ये मैया, इसका भरोसा नहीं करना। बोल पड़े ठाकुर जी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बोले बिल्कुल भरोसा नहीं करना, एक नंबर की झूठी है मैया, इसको पूछो, इसका वो फलाना रिश्तेदार आया था कि नहीं मिलने। जो भगवान ने कहा मैया को सब याद आ गई। हाँ हाँ लाल जी, वो हमारो एक रिश्तेदार तो आयो। ठाकुर जी बोले, महाराज पूछो इससे,
उसको क्या कह रही थी सुबह कि तुम लोगों के सिवा मेरा कोई नहीं। जो ऐसा कहा मैया रोने लगी, बोले हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गई, पर मैं दिल से नहीं, मैंने तो ऊपर ऊपर से बोल दिया था। ठाकुर जी बोले मैया देख, अगर तेने मोकू अपनो मानो है तो समझ ले कि मैंने भी तोकु अपनो मानो है। अब मुझे मानने के बाद फिर दुनिया का सहारा क्या लेना भैया, यदि मुझे अपना माना है तो मैं तुम्हारा, फिर मुझे ही अपना मानो, फिर जगत का आश्रय क्या लेना। भैया लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, माना बदलते वक्त की बिगड़ी चाल है हम, पर गरीब मत समझना हमें दुनिया वालों, क्योंकि उनके प्रेम की दौलत से मालामाल है हम। भक्तों के पास तो प्रेम की ही संपत्ति है, प्रेम की ही दौलत है। तो यहां पर भागवत में मेरे प्रभु का नाम पढ़ा रणछोड़,